हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनदर वीडियो ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी। सो आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हमारा गुडविल चैप्टर की गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कैसे होता है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। सुपर प्रॉफिट मेथड, एक बात बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड से पढ़ने से पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, हमारे कुछ सालों के हमें दे दिया करते थे ये लोग ईयर्स, जैसे 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स के हम टोटल करते थे, जितना भी प्रॉफिट था उनको डिवाइड कर देते थे 4 से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता था, हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है, बट ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखो जैसे आपकी, जैसे बाकी की मार्केट में जितनी भी फर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, आपने सारी फर्म्स के प्रॉफिट मिला के उनका कुछ एवरेज प्रॉफिट निकाला, उनका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ रहा था 12 रुपीज, ठीक है ना। सबका आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, उनका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा था 12 रुपीज। बट जो आपने इनकम अर्न की है, प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो आपको प्रॉफिट हुआ है 14 का। सारी फर्म्स को हो रहा था 12, बट आपको हुआ है 14 का प्रॉफिट। तो ये जो एक्सेस वैल्यू है आपकी 2 रुपीज, 2 रुपीज जो आपकी एक्सेस वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अभी आपने निकाली कैसे, देखो जो आपके एवरेज प्रॉफिट जो आपका है नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करो, तो आपको ये पता चला है कि बाकी की फर्म 12 रुपीज कमा रही हैं, लेकिन आपकी फर्म ने 14 रुपीज कमाए हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया है, 2 रुपीज। तो ये जो एक्स्ट्रा है, तो यही आपका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। ये एक्सेस आपका ये अमाउंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, समझ आए। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म। आपने कितना प्रॉफिट ज्यादा कमाया, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं हमारी गुडविल को, ठीक है ना। अर्न्ड बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट इट अर्न्ड बाय अनदर फर्म, मतलब जो फर्म हमने कमाया और जो फर्म दूसरी फर्म्स ने कमाया, उनको कंपैरिजन करने के बाद जो एक्सेस प्रॉफिट हम कमाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हो सकता है। सबसे पहले देखो, अगर इजी क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें दे देंगे कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रॉफिट आपका सिंपल सा, नॉर्मल प्रॉफिट आपका इतना है, एवरेज प्रॉफिट आपका इतना है, तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। बट अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होगा और आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनआरआर, ठीक है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब जो भी जितनी भी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई होगी, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 10 है आपका, डिवाइडेड बाय 100, 10%, ठीक है ना, परसेंटेज में आपको दिया रहेगा। अभी हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक। फिर अब हम इसको कैसे करेंगे, एक जीरो से ही है ये, तो अपना कितना है, जो अपना नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना हो गया 100, समझ आया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको अगर नॉर्मल प्रॉफिट की डिटेल नहीं दी रही है, तो आपको ये बताया गया होगा कि कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की है, ठीक है ना, और उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है, ठीक है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है 100 रुपीज, ठीक है। अब आपको आगे क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट तो पता ही है, मान लो क्वेश्चन में हमें दिया है, जैसे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो है हमारा 200 रुपीज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 200 रुपीज, और जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है वो है हमारा 100 रुपीज, ठीक है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 100, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें दिया होगा नंबर ऑफ योर परचेज, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, सुपर प्रॉफिट हमारा 100 है इंटू नंबर ऑफ योर परचेज हमें दिया हुआ है जैसे 2, तो हमारी गुडविल कितनी हो गई, 200 गुडविल हो गई, समझ आया। ये था हमारा फॉर्मूला किसका, गुडविल का, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन से कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है और उसको डिटेल, ये आपका क्वेश्चन, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। लिखा क्या है, अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलोज। हमें लास्ट 7 ईयर्स के क्या दे दिए गए हैं इन लोगों ने, हमें लास्ट 7 ईयर्स के इन लोगों ने दे दिए हैं प्रॉफिट 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है ना। और क्या दिया हमारे, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी हमारी 12 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड किस काम में आती है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में काम में आती है। फिर आगे क्या दिया है हमारा, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, हमारा एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, ठीक। फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 होल 1/2, मतलब 2.5 ईयर्स, ठीक है, मतलब 2.5 साल,
हमें क्या कैलकुलेट करना है, परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशनड 7 ईयर, मतलब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट तो आप सबको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, सारी ईयर्स को हम ऐड कर देंगे। तो मैं सारी ईयर्स का अमाउंट ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, उनके ईयर्स को लिख रहा हूँ, और फिर हम रफ में इसको ऐड कर लेंगे। तो कितना है, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 20 21 एंड 22, इनको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, क्योंकि 7 साल है ना। ठीक है, अब इनको हम रफ में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं साइड में। कितना कितना है, 20, ऐसे आप लोग रफ में ऐड कर लो, मैं अभी ऐड कर ले रहा हूँ। तो देखो इन सब का टोटल कितना है, 105, 10,50,000, कितना है, 10,50,000। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे, 7 से। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, ये आया हमारा एवरेज प्रॉफिट। जब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया तो हमारा अगला काम क्या था, अगला काम था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो हम सीधा नॉर्मल प्रॉफिट लिख देते, ठीक है, बट हमें कैलकुलेट करना। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल जो हमने अपने बिजनेस में लगाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, अब कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी हमारी, कैपिटल इन्वेस्टेड है हमारी 12 लाख। ठीक है ना, तो 12 लाख हम इधर लिखेंगे, क्लियर, 12 लाख इधर लिखेंगे, एंड NRR है हमारा 10% डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आया हमारा, 1,20,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, 1,20,000 आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए, हमारा हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,50,000। ठीक है, और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो ऊपर लिखा ही हुआ है, 1,20,000, 1,20,000 है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, तो कितना बचा हमारा, 30,000। 30,000 कितना क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट। अब क्या है अगला, हमें सुपर प्रॉफिट पता चल गया है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, 30,000 इंटू, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया था, 2 होल 1/2, जिसका मतलब 2.5। ठीक है ना, तो इधर हम कितना लिख लेंगे, 2.5। तो जब हम 3 × 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75,000। ठीक है ना, चेक कर लेना एक बार, 75,000। तो ये आ गई हमारी क्या, गुड, समझ आया। तो ये लो, ये है, आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, वो पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो हमें प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मैसेज करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। So myself Sarat Sahu and I am signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye-bye.